गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 7 का लेसन 18 डियर डायरी। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेसन के बारे में क्या क्या पढ़े हैं कि एक आशा नाम की छोटी सी लड़की थी, है ना। तो जब यात्रा में जा रही थी तो एक डायरी ले गई थी अपने साथ और उन्हीं डायरी में वो यात्राओं के बारे में लिखी थी। तो उसी जो डायरी का अंश है ये बुक में दिया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ चुके, मतलब इसके बारे में वो डायरी का जो अंश है उसको पढ़े हैं। उदाहरण के लिए चित्रकूट जलप्रपात के बारे में पढ़े हैं जो डायरी में लिखा गया था, जैसे दंतेवाड़ा क्षेत्र के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो आइए आगे देखते हैं, मतलब जो आशा है उन्होंने और अपनी डायरी में कौन से यात्रा के बारे में लिखा है और दर्शाया है। इन द मॉर्निंग वी रीच्ड आवर मुनी मौसी हाउस, है ना। मतलब ये कौन से जनवरी का है, 4 जनवरी का। और इससे पहले हम क्या कौन से जनवरी का पढ़े, सॉरी जुलाई का पढ़े हैं, 1 जुलाई, 1 जुलाई का पढ़े थे, है ना। और आज हम पढ़ रहे हैं 4 जुलाई, यानी कि 4 जुलाई को, मतलब 3 दिन बाद। तो यहाँ पर वो आगे बताती हैं कि सुबह, है ना, 4 जुलाई की सुबह हम मुन्नी मौसी के यहाँ चले गए डोंगरगढ़ में। आल थ्रू द वे आई स्लेप्ट इन द वैन, वैन से गए। तो बताती है कि मैं, है ना, वेन में दिन भर सोती ही रही या मैं दिन भर सोई। दे हैव ए ब्यूटिफुल गार्डन इन द इन देयर हाउस, अब उनके यहाँ उनके घर में एक बहुत अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि गार्डन है, ऐसा करके जो आशा है वो बता रही है। देयर इज ए स्विंग एंड ए पॉन्ड, और एक झूला है और एक कुआं है, ऐसा करके वो बता रही है। अक्षत मुन्नी मौसी सन, है ना, अक्षत मुन्नी जो मौसी है उनका पुत्र है। एंड द बबलू बी कम फ्रेंड्स, तो बबलू और जो अक्षत है वो जल्द ही दोस्त बन गए, ऐसे करके जो आशा है अपने डायरी में लिखी हुई है। दे स्पेंड द होल डे इन द गार्डन स्विंगिंग एंड वाचिंग द फिशेस इन द पॉन्ड, और आगे वो बताती है कि हम, मतलब जो, मतलब बबलू और मुन्नी मौसी के जो जो बेटा है वे दिन भर यानी कि गार्डन में झूला झूलते रहे और कुएं में मछलियां देखते रहे। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो लेसन, ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो आशा है उन्होंने डोंगरगढ़, है ना, के बारे में बताया है कि डोंगरगढ़ गए हम लोग ऐसे करके, है ना, और अपने जो मौसी है उनके यहाँ झूले हैं और जो कुएँ हैं उसके बारे में बताया है। तो आप लोग भी जानते हैं कि डोंगरगढ़ मतलब असल लोग क्यों गए होंगे, क्योंकि वहाँ माँ बम्लेश्वरी जी का मंदिर है ना, और वो काफ़ी दुनिया भर में फेमस है, जहाँ दूर दूर से जो भक्तगण हैं, है ना, वे आते हैं, और कोई बस में आते हैं, कोई पैदल आते हैं। थैंक यू वेरी मच।